क्या कुरान से इस्तखारा किया जा सकता है, यानी दुआ करके कुरान मजीद खोल लें और फिर उसका तर्जमा पढ़कर उससे जवाब अखज़ कर लें, ये शरण किस हद तक जायज़ है? नहीं, शरीयत में इस किस्म के इस्तखारों का कोई जिक्र नहीं। बाकी उम्मत में ऐसे इस्तखारे रायज हैं, कोई कुरान से इस्तखारा करता, कोई किसी तरह तस्बीहों से करता, मगर सबसे बेहतर यही है कि आदमी अल्लाह ताला से दुआ करे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर ये बेहतर है तो अल्लाह ताला इसके आए होने के लिए असबाब मुहैया करे, इसमें बरकत दे, अगर नहीं ये मेरे हक में बेहतर है तो इसमें कोई रोड़ा अटका दे। खुलूस है दिल से ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, फिर जो हो ना उस पर राजी रहे। ये इस्तखारा नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया, ये कुरान मजीद के इस्तखारे दूसरे दीन में नहीं आए। मौलाना ज़िमनन ये बता दें कि ये इस्तखारा किसी वक्त भी किया जा सकता है? दिन में किसी वक्त भी किया जाए, दो रकअत नमाज पढ़ के ना ये दुआ करे, आज जाना अल्लाह तू सब कुछ जानता है, कादर मुतलक है, अगर ये चीज़ मेरी दुनिया आखिरत की ये बेहतर है तो इसमें बरकत दे, होने दे, अगर नहीं मेरे लिए मुनासिब इसमें कोई रोड़ा अटक जाए और जिधर बेहतरी उधर मेरे मुझे मुतवज्जे कर लिया जाए। कुछ लोग ये भी साथ कहते हैं कि आप सो जाएं, आपको ख्वाब में इशारा होगा, ये तमाम चीज़ें किस हद तक ये चीज़ें जो है ना ये लोगों ने साथ में खुद ही लगा ली हैं कि सोना चाहिए और फिर ख्वाब आएंगे उसकी तबीयत, ऐसी कोई बात अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई। बस दुआ करनी है खलूस से अल्लाह से, फिर मामला अल्लाह के